पार पार जंदा कन्ने बांसुरू बजांदा होए बांसुरू बजांदा पार पार जंदा कन्ने बांसुरी बजांदा लोकें दिया नारा पर मौंदा बलिया अला बेलुआ ओ अला बेलुआ चंबे दा जो शुंकी मेरा मिया चमेली आप आख रखदा चमेली आप आख रखदा चंबे दा जो शुंकी मेरा मिया चलो ले चला अपने ग्रां मक्कियां दा टोडा दे साग खुला चलो ले चला चलो ले चला अपने ग्रां मक्कियां दा टोडा ते साग खला संत कहेंगे संत लिखेंगे संत चलेंगे। दर्शकों आज जिहड़ा असीं शिव तांडव डोगरी दे विच सुना करदे हैं राकेश जम्बाल हुंदी आवाज़ दे विच उसी कलम मध्य किया और खास करिए डोगरी दे विच अनुवाद करी जिन्हें साढ़े तक ये शब्द पहुँचाए ना वो कोई होर नहीं साढ़े प्रकाश प्रेमी और काश जी थोड़ा पहले तो आशीर्वाद गए अस मंगे स्वागत की करना क्योंकि असर थोड़े को सीखा थोड़ा का आशीर्वाद है कि डोगरी वास्ते तो बड़ा कुछ किया तो संस्कृत की भाषा के अपनी लेखनी की लिखते हैं तो कन्ने कन्ने गए तुम सोचा कि की नहीं डोगरे अजकल डोगरी की कताबा जड़िया जी जी पढ़निया हो तो मुश्किल हाँ साढ़े जे वास्ते भी जो डोगरी बोलते हैं पढ़ना मुश्किल है पर अज जरा थोड़ा लिखे का राकेश होने जल्द उसी अनुवाद कर थोड़ा किते का गाइए तो लोगों तक पजाया गाने वेले तो समझ आई नहीं सारे इं जो कताबा पर स्तोत्र पढ़ना हो शायद मुश्किल हो जिया संस्कृत की भी समझना मुश्किल है बिल्कुल अनुवाद जल्द तुम्हें किया तो बड़ा अच्छा प्रयास किया तो कि साढ़े दर्शकों के आखना चाहिए भाई हूँ डोगरी स्तोत्र जोड़ा वो भी शिव तांडव ऐसा जोड़ा रावण ने अपने कलमबद्ध किए था कंठस्थ वो गाते हैं तो कि अपने आप की फक्र महसूस हुआ था कि अज थोड़ी काम की सराहना हो रही शर्मा जी मैं सिर्फ शिव तांडव का नहीं किया शिव महिम स्तोत्र है एक पुष्प दंत हुंदा रचे दा जी निर्वाण शटक है अपने जड़े एडे बड़े साढ़े वो है न दिग्गज महर्षि बिल्कुल है तो उंदा रचे दा निर्वाण शटक है जी ये सारे मतलब स्तोत्र और भी बड़े सारे स्तोत्र जिन उंदा मैं अनुवाद किया अनुवाद करने का मतलब ये हा कि कम से कम जो जवानियां असं घोटा लाइए तो बोलते रहने जिया कि साढ़े परंपरा है बिल्कुल साढ़े पंतगण तो पूरे मैत्र साढ़े जवानी घोटे होंगे मतलब नहीं तो वह कोई फायदा नहीं जिन्ना चिर अपनी मातृ जिन्ना चिर मातृ भाषा च नहीं और वह मिकी प्रेरणा थोड़ी अपने गै जागतें को उन्हें मैं उ'ऐ घोटा लोआर हा जियां परंपरा साढ़ी चलती हवा करती है घोटा लोआर हा तो जागत आखिया तो यह के है असं समझ नहीं आवा कि फायदा उस टाइप की तो वह बाद मैं ट्रांसलेशन जोड़े किए मैं चाहना कि ट्रांसलेशन जोड़े वो सारे घर घर पुजन बिल्कुल तां क्योंकि डोगरा समाज साढ़ा बड़ा भगती प्रधान समाज है बिल्कुल डोगरें कन्नै साढ़े देवी देवते भी प्यार है क्योंकि माता सारे विश्व भी छड़ी है त्रिकूट पर्वत साढ़े डोगरे की धरती च आइए बैठी और प्रणय सूत्र च स्वयं भगवान शिव जिहड़े ने बिल्कुल वह भी साढ़े उधमपुर जिले की चनैनी तहसील के मानतलाई दे विच शुद्ध महादेव मानतलाई मानतलाई च प्रणय सूत्र च बंदे मतलब डोगरे दे साढ़े दामाद भी हैं हाँ बिल्कुल हैं बिल्कुल हैं क्योंकि जिल्लै तुसीं डोगरी च अनुवाद करी ओड़िया ते हुण तुहाडा आशीर्वाद जियां साढ़े डीआईजी साहब आखे आशीर्वाद भी डोगरी ते इंगन ते डोगरे दे रिश्तेदार ने तो उन्हें देना के देना डोगरे ये तो उनके ब्राह्मण अवसर है लेकिन अपने भगत की उन्हें आशीर्वाद नहीं भगत की यार पहले अपने बड़ा उनका इन्ना विशाल हृदय है जो पहाड़ भी समाई जाते तो जो निके ने कवि के विचार भी समाई जाते वो प्रभु न उनका क्या आखना कुछ वेले मेहरबान हो प्रेमी साहब अज अस गल करते साढ़े समाज पर एक बड़ी बड़ी क्रोती आवा करती है वो है नशे की कोई चिट्टा कोई पीला पता नहीं की आवा करता नौजवान पीढ़ी की खोखला करा करता एक आखते भी जोड़ा लिखारी ज कवि होंगे ना वो अपने शब्दें कन्नै जल्द ये चीज़ें पर कोई अपनी कविता बोलता ज कुछ बोलता लोगों को बड़ा तौला असर होंगे बिल्कुल तो ऐसा भी प्रयास करा दे तो ए, मेरी बड़ा चिर पहले है 94 जी किताब छपी ही एक ललकार ओह्दे च इ'यै नहीं है जमीन कन्नै जुड़ी दियां अवामी कवितां नाजै बारे च होई नशे दे बारे च होई
होर समाज दियां बुराइयां जिहड़ियां उंदे बारे च इक नशे दे उप्पर कोई है कोई बंग थोड़ी चेता इस वेल्ला मिगी जवानी नहीं प्रवीण जी चेता होना बिल्कुल सारी ध्याड़ी हाँ चेता आई गया सारी ध्याड़ी कुप्पड़ भन्नी कुल मजूरी गंढी बन्नी जां जोड़ी है पैसा पैसा बोल खुआई ऐसा पैसा जिंदू वाला लौन चोड़ी चुनी चुनी है कुप्पड़ रोड़ी संझ पई तां ठेके बार लगी जंदा है दरबार किट्ठे होई है पुजदे सारे पौणा लगदे नित बुलारे अग्गे मतलब लगदे पंडाल जिले अस दिखने पे जियां तुस आखा करदे गल सच्ची है ठेके दे बाहर लगदे पंडाल पर ठेके दी एक ऐसी हट्टी जिथे नगद दा कम व्यापार चला करदा बाकी सारे लोग दुहार मंगदे दुहार उत्तर सारा बिल्कुल दोस्तों और लोग खुश होइए जंदे न उत्थे खुश होइए जंदे एक जमाना बदला करता दोस्तों साढ़ा भी प्रयास होंदा अस कोशिश करने आ कि जिहड़ी समाज पर कुरीतियां न उहदे पर गल जरूर करचै अज ये बड़े वड्डे सानू अपनी मान दी है साढ़े सम्मान की गल है कि सानू मिली है कि जिहड़े बड़े अच्छे लिखारी न बड़े अच्छे कवि न और बड़े अच्छे अवार्डी न इंदा आशीर्वाद सानू भी मिलिया ते दर्शकों मई करना तुस भी पसंद करके होने और भी कुदा मौका मिलेगा तो अस इनकी जरूर स्टूडियो बिठाइए इन सारी हफ्ते पर गलबात करके तो अज का अंक दोस्तों ये विशेष अंक हा जिहड़ा शिव स्तोत्र तांडव दे उपर अज इतने फंक्शन चला करता है पुलिस आडिटोरियम च उम्मीद करने तुसें भी पसंद आया होगा तो राकेश जम्वाल होने ही तुम मता मता प्यार दो उनका यूट्यूब चैनल जिहड़ा माँ क्रिएशन उहदे पर आई है तो जरूर अपना उन्हें आशीर्वाद दो अपनी भाषा पर जिहड़ा प्रयास किया अज अपने पब्लिक की जो अपना यूट्यूब चैनल पहले वो अपील की जाए हो सारे मेरी अपील ये है कि स्टेट समाचार के माध्यम कन्ने के यूट्यूब चैनल माँ क्रिएशंस इंडिया MAA माँ क्रिएशंस इंडिया पर अज आइए इसी तो सुनो लाइक शेयर कमेंट करो घर घर हो है मेरा असली मुद्दा ये है कि जिया अंदर वक्त आख्या है कि ये अगर जिन्ने चिर धोड़ी लोगों के कन्ने नहीं पुज्या इहदा कोई मतलब ही नहीं रोना बाकी ये पूरा पूरा श्रेय मैं एक बार फिर आखो अंदर भी आख्या हूँ भी आखा ना ये साढ़े गुरु जी ने प्रकाश प्रेमी जी जिंदे आस्ते शब्द घट ने इंदी सेवा जड़ी ने इस विच कीती है साहित्य और इंदा प्रेम जड़ा इंदा ना प्रेमी है पर प्रेम सारे इंदे आले बिल्कुल और अपनी मातृभाषा का प्रेम जड़ा हमेशा सदा बने रहोगे जी ते इंदे के उस पर कदमे पर चलते हुए एक माड़ी जी कोशिश है पता नहीं किन्नी शैल है मी नहीं पता लेकिन कोशिश एक है शायद गुरु जी मतलब अज इंदी चेहरे की प्रसन्नता दस दी है कि माड़े माड़े खुश होना गुरु बिल्कुल सच गला करते गुरु खुश होना तो मैं मौका हो जल्द मिले मैं तो चाहता है नहीं अपने स्टूडियो बुलाने मौका नहीं मिला करता कि पुलिस के कुछ ऐसे कानून भी हैं शायद इजाजत नहीं मिलती स्टूडियो आने पर अज मौका मिले पुलिस आडिटोरियम से खड़ोते तो एक डोगरी गीत थोड़े मुँह में सुनना चाहूँ अपने इे सुनना चाहिए मैं डोगरी गीत एक सुन लिया कोई डोगरी अपनी मनपसंद डोगरी गीत एक मैं अक्सर जी एक मलिका पुखराज हुई है साड़ी मलिका पुखराज जी वह भी हूँ कुछ लिखा नहीं है गुरु जी वह भी इंदा ही लिखे दा शायद अगला होगा लेकिन मलिका पुखराज हूँ एक गीत पर पर जंदा कन्ने बांसुरू बजांदा होए बांसुरू बजांदा पर पर जंदा कन्ने बांसुरी बजांदा लोकें दिया नारा पर मौंदा बलिया अला बेलुआ ओ अला बेलुआ ओ अला बेलुआ ओ बेलुआ ओ बेलुआ ओ वाला बेलुआ ओ वाला बेलुआ बड़ा खूब दर्शकों सचमुच सुरली आवाज जड़ी है और वह भी एक ऐसे माहौल दे विच जिंदे पर जिम्मा है समाज की सुधारने का हत्था च डंडा हुंदा पर यह डंडा ओका घट चलांदे न जवान कन्ने के मिठी अपनी जवान कन्ने लोकें गी जिहड़ा कोई क्रिमिनल भी होगा ना मेरे ख्याल से अपनी गल्लें कन्ने अपने गीतें राहें अपनी जवान राहें गे उन्हें अपना हितेशी बनाई लैंदे न तो क्राइम छड्डिए तो इंदे आली भेखी इंदे गै ओ होइए बनी जांदे अज्ज हर डोगरा जिहड़ा साढ़े राकेश जम्वाल होणी गी दिखदा
और इनकी अपना आइडियल भी मनता है। क्या बात, क्या बात। और मनना भी चाहिए। अगर साढ़े जे बंदे प्रयास करा करते डोगरी की अलख जगाने का 20-25 साल का ग्रह ग्रह जाइए, पर एक थाने च बेहिए अलख जगा कर दिन उस मां बोली का कर्ज चुकाने वास्ते, और जिहड़े कैदी न जां कोई क्रिमिनल न उन्हें भी वह अपनी मधुर आवाज़ कन्ने बिल्कुल वापसी मुख्य धारा से लिया करते। जमाल साहब थोड़ा भी मता मता धन्यवाद। बड़ा धन्यवाद स्टेट समाचार का, और साढ़े बड़े भ्रा जिन्हें अस बड़ी बारी असें इन्हें टीवी पर ते रेडियो पर ते न जाने किन्नी इंदी मधुर आवाज़ है, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि मैं अज थोड़े समक्ष और अपने गुरु जी के कन्ने दो शब्द डोगरी अस्तर बोली सकें। जय मां डोगरी, जय डुगर। तो इतने एक मेहमान के तौर पर आए दिन साढ़े जम्मू के पद्म श्री रुमालू राम जी। रुमालू राम हुंदा भी अस स्वागत करने क्योंकि मौके पर पुजे एक डोगरी च अगर पुलिस अधिकारी अच्छा एक स्तोत्र जरा सिर तांडव करा करते हैं तो यह भी डोगरी कने जुड़े दे कलाकार ने, और जिते डोगरी कने जुड़े दे लोग हो या कलाकार हो उत्थे प्रवीण शर्मा जरूर पुजता, और साढ़े चैनल का प्रयास हों। पद्म श्री रुमालू राम जी थोड़ा स्वागत है। कैसा महसूस होंगे जल्द डोगरी की गल कुत हो तो उत्थे सीना चौड़ा हों? आए हाय हाय तुंदे राय सारे कला प्रेमियों की दर्शकों की डुगर की एक एक कला की चाहने वाले के कन्ने कन्ने देश विदेश जेड़े मां बोली डोगरी दे लाडले दे चाने वाले बैठे दे ना उन्हें सारें गी जय डुगर जय मां डोगरी। मन इन्ना खुश होंदा कि जिन्ना अस सुनाई नहीं सकते हाँ। जिस वेले भी रब्बा कुतै मां बोली दी गल लगदी तो उस वेले इस ही होंदा कि परमात्मा तेरी ते साड़ी सरकार दी साढ़े उपर अपार कृपा है। कुतै पासै नौजवान गीतड़ू लई आवा करदे, कुसै पासै मेरे जे लोग जिहड़े रिटायर होने दे बावजूद भी अज इस फील्ड चा वापस जाने दा नां नहीं लिया करदे, ते उस पासै एक बड़ा बड़ा कमाल होइया राकेश जम्बाल होर इन्नी मजबूत नौकरी इन्नी जिम्मेवारी उहदे कन्ने कन्ने एक एडा वड्डा भंडार अज लेइयै आवा करदे न शिव तांडव, वह भी डोगरी च साढ़े गुरु प्रकाश प्रेमी हुंदा हत्थें उसकी डिजाइनिंग होई दी ते गाने विच कोई कसर नहीं छोड़ी दी मेरे निक्के भरा राकेश जम्बाल होर हैं। ते आऊं अपनी गल करां, मिकी भी पहला इनाम जो तू थोया हा तो वो मान योग आदर योग श्री SP बैद हुंदे राएं थोया जेडे मेरे सामने उस वेले SSP उधमपुर हे, ते मेरे दिखदे दिखदे ते इस कला दी इज्जत करदे करदे ओ DGP रिटायर होइए, लेकिन उंदा भी प्यार जेड़ा ओ अतूं दा प्यार जेड़ा अजे तक मिकी इन्नी एनर्जी दित्ती दी, ते भी एक जिम्मेवार अफसर दे सुरें कन्ने ते तालें कन्ने जिले शिव तांडव दा जेड़ा वो भी डोगरी च इसका आगाज होया होग तो रब्बा और थोड़े चिरे बाद असें तुसें सारें गी पता लगी जाना कि तन तन मां डोगरी तन तन डोगरे। तो मिकी एक लाइन चेते आई गई, बिल्कुल अस उ'ऐ सुनना चाहे मैं फरमाइश करनी तो तुसें आपूं गाना गे। मां बोली डोगरी ते बड़ी प्यारी ओ, मां बोली डोगरी बड़ी प्यारी ओ, मां डोगरी दे बच्चियां दी अज फुल तैयारी ओ, मां डोगरी दे बच्चियां दी अज फुल तैयारी ओ। फुल तैयारी दा आखना मतलब है कि कुतै गीतड़ू कुतै भाख कुतै टप्पे कुतै त्रोड़ के ते कुतै अज दर्शकें आस्तै एक नमीं चीज जेड़ी शिव तांडव जेड़ा वो भी डोगरी च, ये सारे भाग चंगे न कि असें की राकेश जम्बाल हुंदे राएं ते ओहदे लेखक न साढ़े गुरु प्रकाश प्रेमी होर उंदे राएं एक बड़ी बड़ी विरासत असें थोआ करदी संभालने आस्तै। उस विरासत की अस भी अपने सिर मत्थे पर रखने क्योंकि साढ़े एडे वे लिखारी हैं जिन्हें काम किया, तो हूँ एक निकी जी गल मैं थोड़े पूछना चाहना भी ऐसा ग्रां जिहड़ा दूर दराज का जिहड़ा अमरोह ग्रां थोड़ा रामनगरा का उत्थों का उठिए तो विश्व स्तर पर पहचान बनानी सौखी नहीं होंगी, वो बारे च की आखना चाहते हो? भाई जी ये सभी शा बड़ा आऊँ आखा कमाल जिहड़ा ना वो साढ़े उन्हें बजुर्ग कलाकारां दा है, चाहे वह बनी बसोली च शेर सिंह होर होन, बिल्कुल चाहे वह डुडू बसंतगढ़ के मन्ने परमन्ने के
अनपढ़ व्यक्ति है लेकिन उनकी जबान उपर हर वेले ज्हारे दे साबे डोगरी गीत होंगे नंदू बसंतगढ़िया एदे कन्ने कन्ने चंदू रटाल चंदा कालिया अंग्रेज सिंह परसो ये पुराने जड़े है खूने दे नंदू फकीरू साढ़े उस पास है उस पास है बड़े मशहूर जड़े है छज्जू राम जी उन्दे कन्ने कन्ने लौकू जी उन्दे कन्ने कन्ने लेड़ दे रौने आले रोजू जी कालो जी ते मेरे साथी मेरे भरा अज राकेश जम्वाल जी जेडे अपनी गायकी दे कन्ने कन्ने के एडा वड्डा जिम्मेवारी आला ओहदा भी निभा करदे। रमालू राम जी एक गल होर मैं पुछना चाहना कि उधमपुर जिला होई आ जां बिलावर तहसील दा इलाका होई आ बसोड़ी होई आ बनी होई आ इस इलाके दी मिट्टी दे विच गै मेरे ख्याल च कोई खुशबू ऐसी है जिहदे विच हर जगह दा कलाकार पैदा होंदे और डोगरी मिट्टी अगर देखी जा ते इन्हें त्रों क्षेत्रां दी डोगरी मिट्टी है। साढ़े जम्मू च जियां पुजदे जाओ ते पीउंद हुंदा जांदा कम्म आऊं आखां इस मिट्टी का जिन्नी वारी मर्जी तिलक करा डुगर दी लोक कला अज भी रुझा दा हर एक पिंड ग्रां। बिल्कुल पिंड ग्रां की गल आवे तो मेरे को भी ठेका पिंड ग्राएं का है जी तुम जानते हो कि अस भी कदे आओ साढ़े ग्रां के माध्यम कने तुहाडे कोल पुजे एक बार जी जी मेले के बिच गए तुसें एक गीत गाया हा अपने ग्रां दे उपर गए तो मैं चाहूँगा वह दो चार बोल मेरे दर्शकों की द्वारा सुनाओ दे। अस डोगरे डोगरा देश साड़ा डोगरी मिठी शैल जबान साड़ी ते डोगरा पेस साड़ा चलो ले चला मन करदा कई फराठी पाले घूमनी ला चलो ले चला अपने ग्रां मक्की दा टोडा ते साग खुला चलो ले चला चलो ले चला अपने ग्रां मक्कें दा टोडा ते साग खला तुस दे यार दिखो फर फर चुल दे इरखी माणू तुंदे जे लोग भी इरखी माणू ओदा दिखी दिखी डुल दे अच्छा ठाठें च अच्छा ठाठें च रावी ते चना मक्कियां दा टोडा ते साग खला चलो ले चला चलो ले चला चलो ले चला चलो ले चला पिंड अमरो मेरा ग्रां रमालो राम मेरा नां गीत गाना था था लोग सदन चां चां करदा नौकरी सरकार दी कोई बड़ा वड्डा हुनी कलाकार जी गाना औले फौले गीत भावें हार भावें जीत मेरी नगर है तहसील चलदी दवो दा बरील बिच टेप दे इक वक्त हा जदों टेप रिकॉर्डर और ओहदे आस्तै पहली बारी असें आडियो कैसेट नखरे करे नी राणो आऊं तेरा मुंडे दा पंछाणो गल्ले नी लाना ए भलोका माणू पहली बारी डुगर दर्शकें गी ओह आडियो कैसेट दित्ती ही ओहदे शा पहले कोई आडियो वीडियो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल रमालू राम जी ये तो थोड़ी जी झलक दसी आज दर्शकें गी हुण मैं तुहानू सादा दित्ते दा चैनल च बेहिए गल्लां करनियां और अपनी धीऊ दे कन्ने आउणा जिहदा कल गै एक गाना रिलीज होया झुमका जम्मू दा हां धी आ डुगर देशे दी मान है कि अस डुगर देश दे परिवार आ देश विदेश च लोकें दी वीडियो कॉल आंदी कि रमालू राम जी मता मता धन्नवाद है तुस कदें दरियां दी गल करदे कदें पहाड़ें दी गल करदे कदें टोकें दी करदे कदें दुहारें दी गल करदे ते कदें मक्कें दी कन कन कोदरा ते कौंगनी दी गल करदे ते कन कन कुल्त भोंठे मक्क बलाड़ी गोडिया लगी नवी लाड़ी लाई गुड़ैरा गोडी करदे सब सवारी गांदे मिठियां छावां ठंडे ठंडियां छावां मिठे पानी मने गी भरमांदे। बिल्कुल सच गला करदे ने दोस्तो ये ते गलबात दा सिरिस्ता चला करदा ये रमालू राम होर बड़ा सोहना गीतड़ू गाते हूँ पिछे अस दिखा करने तो साढ़ा इतने तैयारी चला दी है राकेश जम्वाल होर भी हैं। राकेश जी मेरे ख्याल से एक बार बार गई आओ तुम तो ठीक रहना अज खास करिए दोस्तों जोड़ा तो पता मैं बड़ा घट निकलना बाहर इले फंक्शन च पर अज फंक्शन को साढ़े राकेश जम्वाल होर जो पुलिस अधिकारी उन्हें कन्ने कन्ने बड़ा अच्छा गायक भी हैं। राकेश जी थोड़ा स्वागत है। बड़ा बड़ा धन्यवाद। और वही गल है शिव तांडव जोड़ा डोगरी च तुस लेई आवा करदे हो किन्ना फक्र महसूस होआ करदा आखदे भाई जिहड़ी अपनी मातृ भाषा दे विच कुसा दे कोल गल पहुंचानी होवे दर्शक ते ओह तौले पहुंचदी है। मैं ये आखूं कि इसका श्रेय पूरा पूरा प्रकाश प्रेमी हो रही है जिहड़े कि डोगरी साहित्य दे मेरे ख्याल कोहिनूर दे ईरान महाकवि ये उंदे द्वारा अनुवादित है तो उसी इ'यां पढ़िए पता नहीं मने च होया कि अपने आप गै कोई शिवजी महाराज दी गै एक लाइट आई है
ते फिर होया कंपोजिशन हुई, म्यूजिक बनिया, वीडियो भी होया ते अज थोड़े सामने है माँ क्रिएशंस इंडिया यूट्यूब चैनल पर अज हो ना रिलीज़ 12:15 के आसपास उस पर भी आई जाना। ये मैं आखूंगी ये कोई मेरी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये सिर्फ तो सिर्फ उनकी बजुर्गें की प्रकाश प्रेमी हुंदी ते कन्ना कन्ना कोई शिवजी महाराज दा आशीर्वाद। राकेश जी अगर गल की जा हुण जिवें तुसीं आखिया बाबा बोले की गल की जा तुसीं तांडव भी हुंदा करदे और बाबा बोले साढ़े डोगरे दे दामाद भी है, साढ़ा फर्ज बनता मान इज्जत देने करदा क्योंकि उन्हें साढ़े गै जम्मू सूबे के उधमपुर जिले की चनैनी जिहड़ी तहसील अंतर्गत आने माल तराई दे विच पुराने सूत्र च बंदे मांगा होरा करने ते साढ़े डोगरे दे दामाद होने के नाते तुसीं उनका स्तोत्र भी गाया और ये स्तोत्र गा देने प्रयास करा करदे ने दोस्तों और साढ़ा भी प्रयास है कि अस डोगरी कन्नै जुड़े दे जिन्ने भी कलाकार हो वो जिले कलाकारी दे आते हैं तो साड़ा प्रयास होंगे अस कोशिश करने हूँ इंदा जिहड़ा वो शिव स्तोत्र जिहड़ा सिव तांड स्तोत्र जिहड़ा वो वीडियो रिलीज़ होग तो वो वीडियो भी करिए और वर्षा भी पुजी गई है बिना बादल दे बरने वाली वर्खा ये साड़ी जम्मू की धी जम्मू की कुड़ी वर्षा। वर्षा थोड़ा भी स्वागत है, कैसा लगा करता है कि डोगरी के शिव तांडव आवा करता है? और ये पहली बार आवा करता है और सर की गल करते तो वाह क्या कम, सर हमेशा कुछ अच्छा ही करते हैं, कुछ अलग ही करते हैं एंड आई एम सुपर एक्साइटेड और तांडव बड़ा अच्छा मैं सुने और डोगरी सब तो बड़ी गल है साड़ी, मतलब किन्नी अच्छी गल है कि डोगरी में इन्ना ज़्यादा अगे अगे और बड़ा चिड़ चढ़ी अस लोग करा करने नमें ट्रैक्स करा करने तो मते मते मुबारख दें और बाकी सर जने भी आखिर कि सर जने इस तांडव की सुनो साड़ी डोगरी दे विच है और आशीर्वाद दो अपना। वर्षा चेता किया जा अज तो कोई 2 दशक पहले अस देखते भी डोगरी बोलने को भी लोग शर्मांदे अपने आप ही आखिर ग्राएं खुआंदे पर असें नहीं छड़ी, अस उल्ले भी बोलते हे तो अज भी बोलने और छाती ठोकिए बोलने, कितना फकर महसूस हुआ करता अज तब्दीली लभा करिए लोग डोगरी वाली साइड जा कर अस डोगरे हैं आखने शाने करने अस जीती आने जंगा घमसाने करने और जंग असें भी बड़ी बड़ी गै लड़ी है कि वो जगाने वास्ते जिहड़ी लोग भुलदे जा दे उसी जगाने वास्ते भी एक जंग ही उन्हें एक सोहना जिहा डोगरी गीत मैं चांग तुस मेरे दर्शकें गी सुनाओ। ओके तुस कोका सुनना चाहते मैं वो सुनागी हाँ मेरे ख्याल से जो कोठे पर सुनाया है पहली बारी अदू दे बाद मैं गाया नहीं अज गानी अज गाना मैं परती चंबे दा जो शौकी मेरा मिया चमेली आप अख रखदा चमेली आप अख रखदा चंबे दा जो शौकी मेरा मिया। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों चंबे दा शौकी मेरा मिया पूरा गीत तो सुनने का टाइम नहीं है क्योंकि हुण शिव तांडव जिहड़ा रिलीज़ होने वाला अस उधर भी तुहानू ले चलने तो उत्थों दा भी देखने कि खास करिए डोगरी दे विच जिहड़ा एक काम होवा करदा उहदे च किन्नी अस दिखा करने भी निखार आवा करदा हुण ओह शिव तांडव तुहाडे तक पहुँचाने का प्रयास करने